सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति विद्या अध्ययन आदि क्षेत्रों से सफलताएं हाथ लगेंगी एवं व्यापार श्रेष्ठोत्तम रहेगा, स्वास्थ्य में भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति आज जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या सुलह सकती है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति एवं मिथुन लग्न वाले व्यक्ति आपको आज के दिन कोई शुभ संकेत अथवा कोई नया व्यापार धंधा प्रारंभ की स्थितियां बनेंगी। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति धर्म के प्रति विशेष रुझान होगा एवं कोई धर्मादि अनुष्ठान की स्थितियां आपके मन में आ सकती हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति आज आप कोई व्यापार प्रारंभ कर सकते हो अथवा मानसिक संतुलन स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी, अटका हुआ कोई काम सिद्ध संपन्न होगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति आपको आज के दिन धर्म के प्रति रुझान होगा एवं कोई नया शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आपको भूमि से संबंधित लाभ प्राप्त के संकेत मिल रहे हैं। आप मूंगा रत्न धारण और करें और अधिक लाभ प्राप्त होगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति आपको आज के दिन मानसिक तनाव, बेचैनी किसी बात आदि को लेकर के बढ़ सकती है। दशम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति घर में कलह की स्थितियां योग बन रहे हैं, इसलिए आप सचेत सतर्क रहें। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति हो सकती है आज के दिन। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति आप किसी पूर्व से पद पर प्रतिष्ठित थे या हैं, नए पद की प्राप्ति योग आपको आज बन सकते हैं अथवा इस सप्ताह में ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।